हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पर, मतलब आई मीन नए ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और भाई साहब इतने दच्चे हैं ना सपना में यार, गाड़ी चलाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। देखो ना अगल बगल इतने सारे मतलब खोद दिए हैं, पूरा नाली वाली का कार्यक्रम चालू है भाई साहब यहाँ। बस हो गया, खोदे पड़े हैं और बहुत डीले हो जाते हैं वीडियो। आई नो वो क्या है कि ना आजकल व्यूज नहीं जाते ना तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, यही व्यूज नहीं जाते अच्छे खासे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो अपन डीमोटिवेट हो जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि डेली आए, बट क्या करें, तो व्यूज़ भी बढ़े तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अपन को भी अच्छा लगता है कि हाँ अपन कुछ बना रहे हैं। तो यार आप लोग सपोर्ट करो यार, जल्द से जल्द कब करोगे, तो बच्चे परेशान कर रखे हैं और आप लोग परेशान कर रखे हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक ना। बिना सब्सक्राइब करे जो देख लेते हो आप लोग, तो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। सही बताऊँ तो यार कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं लगता। आप लोग इस तरह से देखते रहते हो इंस्टाग्राम में, तो दो मिनट के समय देखकर मेरा यूट्यूब चैनल शेयर कर दो अभी दोस्तों से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बढ़वाओ यार, सब्सक्राइबर करवाओ। सब नाम रोज़ रोज़ डेली डेली हफ्ते में 4-5 ब्लॉग लाएंगे और आप लोग देख रहे हैं कितना डिग्री हो जाता है। तो अरे चार कम समझ नहीं आता था, तो इतना पब्लिक रह जाती है ना, इतना ट्रैफिक सतना में हद से ज़्यादा। MP उन्नीस सतना स्वाहा। मैं सोचता हूँ कि अपनी वीडियो में जो ब्लॉग होगा ना, तो जैसे इसकी कार खड़ी है ना ये ब्लैक कलर की और ब्राउन कलर की, तो इसको मैं कलर चेंज कर दे करूँ और नए नए इफेक्ट डाला करूँ, वीडियो इफेक्ट वगैरह। क्या है कि अपन जो वीडियो एडिटर है ना, तो अपन को थोड़ा नेक्स्ट लेवल वीडियो बनानी चाहिए, है ना अंकल जी। अंकल जी बोले चल निकल यहाँ से। तो ये नया चीज़ हो गया, डिवाइडर लग गया, पता नहीं क्यों लगाए हैं, और अच्छा भी सही भी है, डिवाइडर होना चाहिए। इस साइड चलते हैं और बात करेंगे, और जब इस साइड जाएंगे तो आपको जो नया ब्रिज बना है उसका भी दिखाएंगे, क्योंकि उसका नज़ारा रात को अच्छा रहता है ना, तो रात को दिखाएंगे। पहले इस साइड चलते हैं, तब तक आते आते वापस रात हो जाएगी, शाम थोड़ा रात हो जाएगी तो लाइट वगैरह जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अभी, ब्लॉग शूट करेंगे यार। तो भाई यार सब्सक्राइब करो यार, कब करोगे सब्सक्राइब करो, ऐसा हो जाए। अंकल जी किनारे हटो, अंकल सुन लिए बोल रहे यहाँ से। देखो ये से ये ब्रिज है ना, ये पुराना ब्रिज है, तो इसमें लाइटिंग में जो अभी तिरंगे रंगे बने आजकल ज़्यादातर सब यहाँ तिरंगे ही बने हैं। ये हट जाओ, मेरे को शूट करने दो पूरा ब्लॉग। तो भाई गिर गया था अभी डिवाइडर से। तो ये जो लाइटिंग वाली ना, तो अभी नए ब्रिज में पीछे वाला जो नया ब्रिज बना सतना में, मतलब बाजार को, मतलब कि बस स्टैंड को क्रॉस करवाने के लिए आई बाईपास बनाया, मतलब कि ब्रिज बनाया गया है, क्योंकि जो डाले सॉरी यार मैं क्या बोलता तो क्या उधर जाता है, ये बोल रहा हूँ कि जो बड़े बड़े वाहन रहते हैं वो ऊपर से ओवरब्रिज से निकलते हुए चले जाएँ, इसके लिए बनाया गया है, मतलब वो मार्केट को काटने के लिए बनाया गया है। उसको मैं दिखाऊंगा ऐसी लाइटिंग है, और ये तो जानते हैं ना आप लोग आई म्यूजिक का, मतलब आई मीन इस साल मेगा मार्च। एक बार क्या हुआ था भाई साहब, तब आज से शायद 2-3 साल पहले मैं इसके अंदर भटक गया था भाई साहब, अंदर रेलवे से जो रोड है ना अंदर भटक गया था, फिर मैं निकला था यहीं कैसे रास्ता है पता नहीं, लेकिन ये कैसे रास्ता है क्या दिख रहा है, यहीं कैसे रास्ता है, तो यहाँ से निकला था ये रास्ता ना भाई, यहाँ से निकला था भाई मैं। भटक गया था अंदर पूरा भाई साहब, कम से कम आधे घंटे फंसे रह गए अंदर भाई। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मैं भी याद नहीं इसी तरीके से किसके साथ था, मैं कि मैं भटक गया था अंदर। अरे 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 लौंडा भाई साहब, इतनी तेज चला रहा था वो साइकिल भाई, रुक ही नहीं रहा, उसके पैर हाथ रुक ही नहीं रहे, मारे पड़ा मारे पड़ा। और मेरी भी राइड कहाँ रुक रही है भाई साहब, ये मज़ा आ रहा है ना यार, जब रश होता है ना और ट्रैफिक होता है ज़्यादा, तो भाई बड़ा मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। और ये रेड लाइट का सीन भी अलग रहता है यार, इसका तो मूड ही ऑफ हो जाता है, सीखता हूँ तो पूरा का पूरा मज़ा किरकिरा हो गया। लेकिन आप लोग इस तरह जाना है तो अपन इस तरह चलते हैं, ये साइकिल भैया रोक दिया था मैं, इस तरह जाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद से, अब होगा ना राइड मज़े वाला, ये क्योंकि रास्ता सीधा ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई साहब कितने स्पेस कम था भाई साहब, तो भी निकाल लिया गाड़ी यार, भाई ऑटो वाला डांटता होगा, ऑटो वाला कहता होगा मर जाइए भाई। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को और पे सेट कर दो। मैं तो जल्दी बोल रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं पता चलता मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को, दोस्त यानी BHOSID वाला दोस्त, उसे भी सेंड कर दो, शेयर कर दो, उसको बोल दो सब्सक्राइब कर ले, ठीक ना दोस्त, ऐसे ही होते हैं मुझे पता है, ठीक ना। तो जय हिंद जय भारत, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर जो शूट करेंगे अभी, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, चलो बाय, हिंद जय भारत, बाय गाइस।